Just like the rest of the world, India was also hit by coronavirus, which later became a pandemic. It wasn't lethal last year as it is now, with the second and third wave hitting us. Lakhon cases report ho rahe hain daily. There is a shortage of hospital beds, medicines, oxygen, even shamshano mein jagah kam pad rahi hai. Har trasadi ki tarah hamari human civilization isse recover to kar jayegi. But as they say, it will get worse before it will get better. और इन टेस्टिंग टाइम में हम सब ने कुछ चीज़ें बेहद करीब से समझी हैं. मास्क आर मोर विजिबल. मास्क लोग पहले भी पहनते थे, बस आज वो ज़्यादा विजिबल हैं. यहाँ सेफ्टी मेजर्स वाले मास्क की नहीं, लोगों के मुखौटों की बात हो रही है. क्राइसिस के टाइम लोग कैसे एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये हम सब देख सकते हैं. सारी शराफत के मुखौटे उतार रहे हैं. एक की प्रॉब्लम दूसरे की अपॉर्चुनिटी बन गई है. ऑक्सीजन सिलेंडर्स और वैक्सीन की कालाबाजारी हो रही है. एम्बुलेंस ड्राइवर्स पेशेंट्स से लाखों डिमांड कर रहे हैं और मुल्क की गवर्नमेंट अभी भी पॉलिटिक्स ही कर रही है. मनी कैन नॉट ऑलवेज हेल्प यू. सेविंग्स आर इम्पॉर्टेंट बट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग. इस पैंडमिक ने हमें दिखा दिया कि नेचर का भी अपना एक तरीका होता है टू पुट रिच एंड पुअर इन द सेम बास्केट. आज भले ही आप लोग नोटों के बैग लेके बड़े से बड़े हॉस्पिटल क्यों ना चले जाएं, द हॉस्पिटल्स डोंट हैव अ बेड. सेम सिनारियो है क्रीमेशन ग्राउंड्स का. कोई करोड़पति हो या एक मजदूर, सबकी डेड बॉडीज वेट कर रही हैं अपनी बारी का बिकॉज ऑफ सो मच डेथ्स. ज़रा सोचिए, क्या सच में पैसा हर चीज़ का इलाज है? फेसिंग रियालिटी, द फेक नोशन ऑफ ट्रैवल, शो ऑफ, चेक इन्स अब सब बेमतलब से लगते हैं. जब लोगों ने मौत को इतने पास से देखा हो या किसी अपने को खोया हो, उसके बाद लग्जरी ट्रैवल्स, ब्रांड्स, लेविश लाइफस्टाइल एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं लगते. 2 साल पहले हम सब लाइफ से यही चाहते थे, लेकिन आज बस अपने और अपने आसपास वाले किसी को हॉस्पिटल ना देखना पड़े, बस यही दुआ है हम सब की. ह्यूमन नेचर. When death is knocking our doors now, we all are serious. But honestly, कुछ महीने पहले बाहर जाने या पार्टी करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये जानते हुए भी कि कोविड इज स्टिल नॉट ओवर. पता नहीं क्या नेचर है हम ह्यूमंस का कि जब तक मौत या किसी सज़ा का डर ना हो, हम रूल्स फॉलो ही नहीं कर सकते. ये एक अच्छा मौका है टू इवेलुएट योर सेल्फ एंड टू चेंज, अदरवाइज शायद नेक्स्ट टाइम कुछ चेंज करने का मौका ही ना मिले. केयरिंग फॉर लव्ड वंस. व्हेन द आउटसाइड वर्ल्ड इज रीलिंग विद डेथ्स, हमें फाइनली अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स की वैल्यू समझ आने लगी है. केयर तो पहले भी थी, शायद इतनी नहीं. उनके बिना अपनी लाइफ इमेजिन करने में जो डर लगता है, वो है हमारा असली अफेक्शन टुवर्ड्स देम. इस पैंडमिक ने हमें एक चीज़ सिखा दी है कि लाइफ बेहद अनप्रिडिक्टेबल है और डेथ एक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर. सो बी केयरिंग एंड नाइस टू एवरी वन. डेथ इज़ नॉट टेरिफाइंग, डाइंग विदाउट लिविंग इज. सो लिव योर लाइफ, इन्जॉय लिटिल मोमेंट्स, क्रिएट अ बकेट लिस्ट. इफ़ यू डोंट हैव अ बकेट लिस्ट येट, देन मेक वन. लाइफ छोटी नहीं है, पर इतनी भी बड़ी नहीं है कि यू ऑलवेज टेक इट फॉर ग्रांटेड. एंड पास योर वॉन्ट्स एंड डिज़ायर्स ऑन टमोरो. अगर इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. प्लीज़ बी सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन.